जो मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी और उनका स्वभाव है वो लोगों को पसंद आ रहा है, उनके साथ मिलके अब की बार जरूर कमल का फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। दो दो तीन तीन बजे तक मैंने मुख्यमंत्री जी को लोगों से मिलते हुए देखा रात को। अगर इनको जिताना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, उनका साथ देंगे, हाथ मजबूत करेंगे, टिकट तो अपने आप देके जाएंगे। अगर आप काम करोगे और वफादार कैंडिडेट है पार्टी का। गुलाब जी, आज काफी बड़ा जलसा सफेदों में और आपको पूरे प्रदेश में घूम रहे हो, क्या मिजाज नजर आ रहा है? मिजाज तो जो टूट फूट होनी थी वो टूट फूट हो चुकी है, अब तो ये जुड़ने का टाइम है। और आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो एक जुड़ाव के कारण आए हैं, क्योंकि इससे आगे चाहे वो 10 दिन में दोबारा सभा हो या फिर 20 दिन में हो, महीने में हो, आप इससे भी डबल ट्रिपल लोगों को यहाँ देखेंगे। वो एक मुहिम चल पड़ी पूरे प्रदेश में कि लोग बहुत ज़्यादा पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका एक नतीजा था। लगातार लोग के काम भी हो रहे हैं, सफेदों की काफ़ी डिमांड, स्पेंडिंग भी पड़ी आपसे और करमवीर सैनी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या सफेदों को कोई स्पेशल, कोई आपने सीएम साहब के सामने कोई मांग रखी हो तो स्पेशल सफेदों के अंदर काम किए जाए? देखो, उसके बारे में पूरा विचार विमर्श चल रहा है। चेयरमैन साहब ने पिछले सप्ताह भी ये डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री जी से कि हमारी कुछ मांगे हैं जो की जाए, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री जी यहाँ का दौरा भी करेंगे। और जो छोटी मोटी काम है जैसे ट्रांसफ़र के या और हैं वो तो हो रहे हैं, दबा दब हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं और चेयरमैन साहब के भी खुले हुए हैं, तो बहुत काम हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। प्रदेश में किस तरीके का बदलाव आपको नज़र आ रहा है? आप भी काफ़ी समय से और मुख्यमंत्री जिस तरीके से लोगों से मिल रहा है, आम जनों की सुनवाई हो रही है, जो मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी और उनका स्वभाव है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और एक बहुत ही सहज स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जब भी कोई भी बात होती है चाहे वो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है या आम आदमी है, वो उससे बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से मिलते हैं। यही स्वभाव लोगों को भा रहा है और वही उसी के कारण आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ जुड़ने की एक मुहिम चली हुई है और उसका ही नतीजा। लगातार दो बार कमल यहाँ से मुड़ जाए और अब की बार जिम्मेवारी मुख्यमंत्री ने खिलाने की गुलाब सैनी को दी है। गुलाब सैनी को नहीं, ये कार्यकर्ता को दी है, और मैं भी एक ये मान लो कि कार्यकर्ता ही हूँ, और मैं भी सभी के साथ मिल के अब की बार जरूर कमल का फूल खिलाने की कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल में खिलेगा। क्या लगता है नायब सैनी का जो प्रयोग देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा में किया, दोबारा नायब को मुख्यमंत्री आपको लगता है कि रिपीट कर पाएंगे, लोग उनसे खुश रहेंगे इस प्रकार के? बिल्कुल, पहली परीक्षा में देख लो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड वोटों से करनाल से जीते हैं, और एक मुहिम मतलब हजारों की संख्या में उनके रेजिडेंस पे लोग पहुंचते हैं और उनके काम होते हैं। दो दो तीन तीन बजे तक मैंने मुख्यमंत्री जी को लोगों से मिलते हुए देखा रात को, और उनका मुझे नहीं पता वो कितने घंटे सोते हैं, इतने मतलब मेहनती मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलना एक लोगों के गर्व की बात तो है, प्राउड फील होता है कि ऐसे मंत्री ऐसे लीडर हमें चाहिए और वो हमें मिल गए। हम लगातार देख रहे थे लोग कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग शुरू हो गया है, क्या बड़े नेता भी अब कोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार का कोई मामला? शामिल हो नहीं सकते, हो रहे हैं, चाहे किरण चौधरी की बात हो, श्याम सिंह राणा जी ने कल ज्वाइन किया या और बड़े बड़े नेता हैं, वो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है कि खुद मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं लग रहा उनको ज्वाइन करने का, इतनी मतलब कि लाइन लगी हुई है। काफ़ी नेता आपके दूसरी पार्टी के भी विधायक हों या पूर्व विधायक, क्या संपर्क में है बीजेपी? ये बीजेपी बता सकते हैं, मैं गुलाब सैनी के भी कुछ संपर्क में हूँ। मैं तो अपने भाई अपने दोस्त की हेल्प के लिए आया हूँ, मेरे को सिर्फ इतना ही पता है, उससे ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता। भाजपा के टिकट के लिए कितनी मजबूती से पैरवी है करमवीर के लिए? मजबूती मैं नहीं, मजबूती कार्यकर्ता की है, कार्यकर्ता अगर इनको जिताना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, तो उनका साथ देंगे, हाथ मजबूत करें, काम करना जो अभी आज की रूपरेखा चेयरमैन जी ने बताई है आपको, उसी के तहत काम करें, और टिकट तो अपने आप देके जाएंगे अगर आप काम करोगे, क्योंकि जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए पार्टी को। और मेरे ख्याल में करमवीर एक बहुत मजबूत और वफादार कैंडिडेट है पार्टी का, और इसलिए पार्टी ने उनको थोड़ी सी एक जिम्मेवारी भी दी है, उसके तहत ये खड़े उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं रात दिन में, सभी तो हल्का में नहीं पूरे हरियाणा में कर रहे हैं।
और उसका नतीजा भी आ रहा है, अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और जब ये एक पैदल यात्रा जो 5 दिन की उन्होंने शुरू की है उससे और मजबूती आई। ठीक है।